सबसे पहले तो आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ कि मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने पेश हुआ हूँ। बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहा था, ये हमारे यहाँ कुंभ का मेला लगा हुआ था, इस कारण मैं आप लोगों से कोई बात नहीं कर पाया। और इसी माफ़ी के लिए मैं एक लाइन बोलता हूँ, कोई तो बात रही होगी वरना यूँ कोई बेवफा नहीं होता। तो वैसे मैंने कुंभ के मेले में आप सब लोगों के लिए 3 शाही स्नान हुए थे उज्जैन में। सब स्नानों में अपने भक्तों के लिए पूजा अर्चना करी थी, भगवान आपको इस वर्ष पूर्ण आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाए और आपकी हर मनोकामना पूरी करे। और कल ईद है, मैं अपने सभी भाइयों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि सबकी ईद बहुत अच्छी जाएगी और आपकी सभी अल्लाह मियाँ की कृपा से आपकी हर मुराद पूरी होगी और अल्लाह मियाँ आप सबको नवाजेगा। और तेरे उनके अल्लाह मियाँ के मैं बताता हूँ एक शेर, तेरे दीदार के काबिल कहाँ ये मेरी नज़र है, तेरे दीदार के काबिल कहाँ ये मेरी नज़र है, ये तो कर्म तेरा है जो निगाह तेरी मेरी तरफ है। अल्लाह मियाँ का कर्म है जो आप सबकी तरफ आपकी निगाह रहेगी, इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे। ईद मुबारक। आज मैं सबसे पहले बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ 13 नंबर के ऊपर। दुनिया में आपने देखा होगा ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में 13 नंबर का कोई फ्लैट नहीं होता, लिफ्ट में तेरी मंजिल नहीं होती, होटल में तेरी मंजिल नहीं होती, लोग 13 नंबर की सीट में बैठना पसंद नहीं करते हवाई जहाज में। 13 नंबर के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में डिस्टर्बेंस रहती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि अमेरिका का जो झंडा है ना, USA का, उसके जो झंडे में जो फ्लैग है उसमें 13 ऐसी ऐसी लाइनें लगी हुई हैं, आप गिनोगे तो वो 13 लाइनें होंगी। इसी तरह ब्राज़ील जो है वो 13 नंबर को सबसे लकी नंबर मानता है, ब्राज़ील कंट्री जो है वो, जैसे उनके जहाँ कोई शादी होनी है, कोई ब्याह होना है, कोई पार्टी होनी है, कोई और अच्छा काम होना है, कोई नई चीज़ का इनॉग्रेशन करना है, तो कोशिश करते हैं कि 13 तारीख को ही हो। इसी प्रकार थाईलैंड में नव वर्ष की शुरुआत जो है वो 13 तारीख से ही होती है, 13 तारीख को ही जानवर वहाँ नागालैंड वाले लोग, सॉरी बैंकॉक में थाईलैंड के लोग जो है 13 तारीख को ही नए साल का अपना शुरुआत करते हैं, इसलिए वो लोग 13 को बहुत शुभ मानते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, हमारे ही भारत में पंजाबी लोग, पंजाबी समाज के लोग, पंजाब के रहने वाले लोग 13 तारीख को बैसाखी मनाते हैं। बैसाखी के दिन 13 तारीख को ही वो अपने नए वर्ष की शुरुआत करते हैं और नए वर्ष की फसल काटते हैं। इसी प्रकार से हमारे घर में इंडिया में ये विचार है, ये आमतौर पर ये रीति है, ये रिवाज है कि जब कोई आदमी की डेथ हो जाती है उसकी 13वीं करते हैं, उसकी 13वीं करते हैं और 13वें दिन सबको बुला के भोजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसी प्रकार आपको हैरानगी होगी कि महाभारत का जो युद्ध था वो 13 दिन तक तो चलता रहा और 13वें दिन के बाद ही पांडवों को सफलता मिली थी। महाभारत का जो युद्ध था 13 दिन चलता रहा और 13वें दिन के बाद ही पांडवों को सफलता मिली थी। इसी प्रकार से आपको हैरानगी होगी कि भारत के जो अभी राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी, वो राष्ट्रपति बनने से पहले कोठी नंबर 13 में रहते थे। जब वो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, तो कोठी नंबर 13 में रहते थे और संयोग से भारत के 13वें राष्ट्रपति भी हैं। तो 13 नंबर जो है वो सबके लिए शुभ ऐसी कोई बात नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा माना जाता है। पर मेरी ये प्रार्थना है कि 13 का अंक 4 बनता है, 4 अंक वाले लोग बहुत बहुत तरक्की करते हैं। मेरा अंक भी 4 है, मेरे बेटे के दोनों बेटों का अंक भी 4 है, तो प्रभु की कृपा है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस 13 नंबर से आप लोग ज़्यादा घबराइए मत। पर मैं ये नहीं कहता कि आप जरूर 13 नंबर में सब कुछ करो काम, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको, पर वैसे ही आपको जो माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो ना इस 13 नंबर के बारे में वो बता रहा था। दूसरी बात मैं आपको ये कह रहा था कि अगर किसी के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, आप उसमें कोर्ट केस चल रहा है, प्रॉपर्टी में फैसला नहीं हो रहा, कोई समझौता नहीं हो रहा, तो वो अपने घर में संडे के दिन अमर बेल लगाएं। अमर बेल लगाने के 40 दिन के अंदर अंदर उनकी प्रॉपर्टी का समझौता अच्छी तरह से हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर पति पत्नी का आपस में बहुत विवाद चल रहा है, तो पति पत्नी का आपस में झगड़े चल रहे हैं, तो एक बंसरी लीजिए, बंसरी, बंसरी के अंदर एक गोल गोल जो उसमें होल होते हैं ना, एक होल में अपने नाम की पर्ची, दूसरे होल में पत्नी के नाम की पर्ची, एक होल में अपने नाम की पर्ची, दूसरे होल में पत्नी के नाम की पर्ची, उसमें थोड़ी शक्कर भर दीजिए, चीनी, और शुक्रवार के दिन कृष्ण भगवान जी के मंदिर में जाके उसको रख के आइए उनके चरणों में, ये प्रार्थना करते हुए कि हमारा वैवाहिक जीवन जो है थोड़ा सुखपूर्वक चले और किसी प्रकार का कोई हमारे विवाद नहीं हो, कोई डिफरेंसेज ना हो। इसी प्रकार अगर आपके बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा है, आपका IT का बिजनेस है, आपका लोहे का बिजनेस है, आपका व्यापार में ठीक प्रकार से काम नहीं हो रहा, तो लोहे की 7 गोली लीजिए।
सात गोली के ऊपर लाल रंग का जो है ना कलर कर दीजिए। लाल रंग का कलर करने के बाद उसको अपने जहाँ आप कैश रखते हो ना वहाँ रख दीजिए आप। तो आप देखोगे 21 दिन के बाद आपका जो नुकसान हो रहा था नुकसान भी खत्म हो जाएगा और आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। नुकसान भी खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। अभी जो फिल्मी एक्टर हैं, मॉडल हैं, एंकर हैं, एक्ट्रेस हैं, जिनको पहले बहुत पिक्चरें मिलती थी, अब उनके पिक्चरें मिलने बंद हो गई हैं। वो अपने ऑफिस में या ड्राइंग रूम में नाचते हुए पीकॉक मोर का पंख, मोर का जो पेंटिंग है ना, ये मोर का पोस्टर अच्छा था लेके लगाएंगे, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी उनको अच्छी अच्छी पिक्चरें मिलनी चालू हो जाएंगी। और ये मंत्र पढ़ते रहें, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम कमल सुंदराय नमः। इसी प्रकार किसी के घर में धन की जो बहुत कमी हो, पैसा नहीं आ रहा हो, कुछ नहीं आ रहा हो, ये मंत्र पढ़ें डेली रात को शाम को 108 बार, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, 108 बार ये मंत्र पढ़ेंगे तो देखेंगे कुछ ही दिनों में धन लाभ मिलना चालू हो जाएगा। इसी प्रकार ये पूनम आ रही है, पूनम के अभी अगले 5-10 दिन में आने वाली है, पूनम के दिन आप लोग जिनको अस्थमा वगैरह है, जिनको कोई बीमारी जो क्रोनिक बीमारी वो ठीक नहीं होती, तो एक कटोरी में थोड़ी चांदी की कटोरी में थोड़ी खीर बना के रात को चंद्रमा के रोशनी में रख दें और सुबह 4-5 बजे वो खीर खाएंगे तो अस्थमा तो उनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा और भी कोई क्रोनिक डिजीज होगी उसमें भी उनको बहुत लाभ मिलेगा। और जो लोग विदेश भी जाना चाहते हैं वो लोग भी पूनम के दिन आधा गिलास दूध में आधा गिलास पानी मिला के ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः 11 बार मंत्र करें, चंद्रमा को अर्घ करेंगे, उनकी विदेश यात्रा का योग बनेगा, उनका वीज़ा भी लग जाएगा। इसी प्रकार से अगर घर में किसी बच्चे को, किसी बुजुर्ग को, किसी पत्नी को, किसी बहन को बुरे सपने आते हों तो एक पीला कपड़ा लें छोटा फेतरा सा, उसमें साबुत हल्दी की 7 गांठें रखें। साबुत हल्दी की 7 गांठें रखने के बाद उसको एक दिन अपने घर के मंदिर में रखने के बाद जिस व्यक्ति के, जिस बच्चे के या जिस औरत के बुरे सपने आते हैं तो उसके तकिए के दाईं तरफ 40 दिन के लिए रख दें, तो देखेंगे कि कभी भी उनको बुरे डरावने ऐसे ख्याल या ऐसे सपने नहीं आएंगे। इसी प्रकार से अगर आपको लग रहा है कि आपके एक्सीडेंट वगैरह बहुत हो रहे हैं, आपका हर बिना बात के ऊपर टक्कर हो जाती है, कोई पीछे से मार जाता है, कोई आगे से मार जाता है, उसके लिए आप हनुमान जी के मंदिर में शनिवार को जाके 4 शनिवार एक दीपक लगा के ओम हंग हनुमंताय नमः, ओम शनियाय नमः का मंत्र पढ़ें और एक बहुत मोटी बाजरे की रोटी बनवा के काली भैंस को खिलाएं 4 शनिवार। बहुत मोटी बाजरे की रोटी बनवा कर काली भैंस को 4 शनिवार खिलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके एक्सीडेंट होने, आपकी गाड़ी टकरानी सब बंद हो जाएगा। और तुलसी का पौधा जो है ना, वो तुलसी के पत्ते कभी भी संडे के दिन नहीं तोड़ने चाहिए। आप डेली 2 तुलसी के पत्ते खाइए तो बहुत अच्छी बात है, पर संडे को नहीं तोड़ते। और तुलसी हमेशा घर की उत्तर दिशा में लगानी चाहिए, उत्तर दिशा में घर में लगाने से उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से अगर घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, कोई किसी का कहना नहीं मान रहा, सब आपस में लड़ रहे हैं, एक कांच की कटोरी लीजिए, कांच की कटोरी में 2-3 चम्मच नमक डालिए, 2-3 चम्मच नमक डाल के उसको अपने बाथरूम में रख लीजिए। तो जैसे आज आपने एक सोमवार को रखी, अगले सोमवार को कटोरी उठा के उसको बाहर अपने लान में धो के फिर नई कटोरी बनाइए, फिर उसमें नमक डालिए, फिर उसको अपने बाथरूम में रखिए। इस तरह 4 वीक आप ऐसा काम करोगे तो बहुत जल्दी आपके घर में नेगेटिविटी, वास्तु दोष सब खत्म हो जाएंगे। इसी प्रकार से कोई लड़की जिसकी शादी 30-35 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही, तो एक काम करिए, गुरुवार को एक पीला कपड़ा लीजिए इतना बड़ा, उसमें काले रंग की हल्दी लीजिए इतनी लंबी गांठ, उसके दाहिने इस यहाँ पे बांध दीजिए 40 दिन के लिए पीले कपड़े को, और ये मंत्र पढ़ना है ओम लग्नाय नमः, ओम गुरुवाय नमः, ओम भौमाय नमः, और 4 गुरुवार वो गाय को केला खिलाएगी तो आप देखेंगे कि उसका शादी का योग बहुत जल्दी बन जाएगा। प्यारे भाइयों, आखिर में मैं एक बार फिर आपको ईद की मुबारक देता हूँ। आज नौजवानों के लिए एक शेर है ईद का, अब तो गले मिलने जालिम मौका भी है, दस्तूर भी है, रस्म जमाना भी है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईद मुबारक हो, खुदा हाफिज़।